नमस्कार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी साथियों, आप सभी को जो है कि आज के महत्वपूर्ण बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और मंत्रिपरिषद में जो एजेंडे पर मुहर लगी है, कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगाई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने, तो सारा खबर आपको बताएं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार का पहला एजेंडा कृषि विभाग का है, जिसमें कृषि के अधीनस्थ कृषक अधिष्ठापन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। दूसरा एजेंडा भी कृषि विभाग का है, जिसमें कृषि विभाग बिहार के अंतर्गत कृषि प्रक्षेप सहायक संवर्ग भर्ती योजना को स्वीकृति दी गई है। तीसरा एजेंडा भी कृषि विभाग का है, जिसमें विभागीय संकल्प को संशोधित करते हुए गृह रक्षा वाहिनी सेवा राजपात्रित कर्मियों सिपाही निरीक्षक तक को बिहार पुलिस राजपात्रित कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय, अतिरिक्त पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्यता के संबंध में स्वीकृति दी गई है। यह जो है कि होमगार्ड के लिए बड़ी अच्छी खबर है। योजना एवं विकास विभाग बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिनियंत्रण संगठन को मंजूरी दी गई है। और जो है कि आपको बताते चले, पांचवा एजेंडा वित्त विभाग का है, जिसमें बिहार वित्त अंतर्गत वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार सृजित एक एक पद को 2 वर्षों के लिए अवधि विस्तार दी गई है। और जो है कि आपको बताते चले कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दरभंगा अंतर्गत गौड़ाबी राम अंचल के मौजा मदौना में जो है कि खेसरा 10,704 रकबा 13.32 डिसमिल आनावाद सर्वसाधारण किम रास्ता बिहार सरकार की भूमि तथा मौजा राशि भदौन थाना इतना को जो है कि अधिग्रहण किया गया है। सातवां एजेंडा बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग के लिए है, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों विभागों में कार्यवाही प्रारंभ करने को स्वीकृति दी गई है। आठवां एजेंडा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है, जिसमें कार्यक्रम के अंतर्गत बांका प्रखंड में कार्यवाही प्रारंभ करने को स्वीकृति दी गई है। नौवां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन मूल कोटि के पदों के नियुक्ति को स्वीकृति दी गई है। दसवां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें बिहार पटना अंतर्गत बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी संवर्ग मूल कोटि के पदों को नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को मंजूरी दी गई है। और जो है कि 11वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें बिहार पर्यटन नियमावली को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई है। 12वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार ईसीजी टेक्नीशियन मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं शर्त को स्वीकृति दी गई है। 13वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल PMCH पटना में 132-133 KVS का जेनरेटर लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। 14वां एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का है, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय छपरा के लिए हेतु जमीन अधिग्रहण हेतु उस राशि की स्वीकृति दी गई है। 15वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें जो है कि पथ पर मंडल अंतर्गत गुना सागर पथ गया के सरकंडा में जो है कि कार्यवाही प्रारंभ करने को स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग 16वां एजेंडा पथ प्रमंडल समस्तीपुर मोइनुद्दीन नगर कुदरकट बालापुर सुल्तानपुर घटोल ग्रामी बेलाघाट में 1 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। 17वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, पथ प्रमंडल लखीसराय अंतर्गत मतासी NH बालोपुर विद्युत नियुक्ति बालोपुर जस्टिस तरारी को स्वीकृति दी गई है। वहीं जो है कि 18वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का है, राज्य के लखीसराय जमुई बंका अररिया जिले के कुल 4 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उसी तरह जो है कि पथ निर्माण विभाग का 19वां एजेंडा है, पथ प्रमंडल जमुई को जो है कि SH-08 के बल्ले तक जो है कि 12.60 किलोमीटर पथ निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 20वां एजेंडा कृषि विभाग का है, जिसमें बिहार कृषि समलिपिक संवर्ग भर्ती पूर्वोन्नति सेवा शर्त नियमावली के गठन को स्वीकृति दी गई है। 21वां एजेंडा जल संसाधन विभाग का है, जिसमें सारण तटबंध के किलोमीटर 40 किलोमीटर 7200 तटबंध सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति दी गई है। वहीं 22वां एजेंडा भी जल संसाधन विभाग का है, तिरहुत मुख नहर
233.11 किलोमीटर की जो है कि सफाई और पुनर्स्थापन को स्वीकृति दी गई है। 23वां एजेंडा खेल विभाग का है, मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI द्वारा राज हेतु संबद्धता परावत दीर्घकालिक लीज को सौंपने को हेतु अनुमति प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। 24वां एजेंडा सैनिक कल्याण निदेशालय और इसके अधीन सैनिक कल्याण कार्यालयों में परिचारी और परिचारी रात्रि प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की संबंध में जो है कि कार्यालय परिचारी और भर्ती को स्वीकृति दी गई है। और 25वां एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के अधीन बिहार भवन मुंबई के निर्माण हेतु मुंबई पतन प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अनुसूची ए के अनुच्छेद 36